पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आज टीएमसी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बंगाल विधानसभा के 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटें उसने अपने सहयोगी को दी है। और आज टीएमसी ने सभी 291 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी इस बार अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। शोभन देव चटर्जी भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार होंगे, तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी और किस किस उम्मीदवार पर टीएमसी ने लगाया दांव, देखिए ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी पर एक सीट से चुनाव लड़ेंगी या दो सीट से, इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज ममता ने साफ कर दिया कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और वो सीट है नंदीग्राम, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हो सकता है। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी के 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए कहा कि टीएमसी ने सभी वर्ग को टिकट वितरण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। 3 सीटें जो उत्तर बंगाल की हैं, वो सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। इस बार 28 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कई लोगों के टिकट मजबूरी में काटने पड़े हैं। 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि 50 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। एससी वर्ग को 79 और एसटी वर्ग को 17 सीटें दी गई हैं। वित्त मंत्री अमित मित्रा को स्वास्थ्य कारणों से टिकट नहीं दिया गया है। पार्थो चटर्जी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। ममता ने कहा कि कई योग्य उम्मीदवारों को टीएमसी टिकट नहीं दे पा रही है, लेकिन ऐसे लोगों का पूरा उपयोग किया जाएगा। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जाएगा और उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा। जिन लोगों को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है, उनमें बांकुरा से फिल्म स्टार सायांतिका, उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक, शिवपुर से क्रिकेट मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। सिंगर अदिति मुंशी को राजरहाट, चंद्रमा भट्टाचार्य को नॉर्थ दमदम से टिकट दिया गया है। वरिष्ठ टीएमसी नेता मदन मित्रा को कमरहाटी, मंत्री शशि पांजा को श्यामपुकुर से टिकट दिया गया है। ममता ने बताया कि वो 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगी और 11 मार्च को वो वहां से वापस आ जाएंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।